वहाँ पर आपको चाय, नमकीन, बिस्किट, तो इस टाइप के चुटर पुटर आइटम्स खाने के लिए आप लेडीज पर जा सकते हैं। आप कैंपस में रात के 3:30 बजे भी घूमना चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बॉयज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब आप रात के 3 बजे सोच रहे हो, भाई मैं या तो सोऊं, ठीक है, या इवेंट में जाऊँ। अच्छा, इवेंट में जाऊँ तो ये 5 इवेंट्स चल रहे हैं। किसी ने बोला कि भाई कल एग्जाम है, पढ़ लेते हैं। दूसरा बोला लाइट ले, लाइट ले, लाइट ले, मतलब टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा। What is up guys, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम यथार्थ गरोला है और करेंटली मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 5th ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं नहीं बड़े वाल वाले यथार्थ आपको बिट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला है। तो यथार्थ भाई, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि बिट्स में सीनियर्स कैसे हैं। तो जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीनियर्स होते हैं वो छोटे बच्चों की रैगिंग लेते हैं, मतलब जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। बट दिस इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी यार। जब मैं बिट्स में गया, आई मस्ट से द सीनियर्स वर सो हेल्पफुल, मतलब दे वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प अस। तो यार हम कैंपस में गए और पहले दूसरे दिन ही हम जानते नहीं हैं सीनियर्स को, और वो हमारे साथ 2-2 घंटे बैठ के हमें हमारा टाइम टेबल बना रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमको एक एक चीज़ बता रहे हैं। और यार थोड़ा बहुत हो सकता है 1% सीनियर्स कभी कभी फॉर्मल इंट्रोडक्शन ले, वो भी कुछ रैगिंग नहीं होती है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन बोलते हैं उसे, वो आप समझ जाओगे क्या होता है। बट इन जनरल द सीनियर्स आर रियली हेल्पफुल, रियली सपोर्टिव, एंड दे रियली हेल्प यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। तो यथार्थ भाई, जैसा तुमने बोला कि सीनियर्स हेल्प यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, बट मेरे हिसाब से टू रियली मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर कॉलेज लाइफ यू नीड एनर्जी, एंड फॉर एनर्जी यू नीड फूड। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को मेस के बारे में बताओ। नंबर ऑफ मील्स पर डे की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली 3 मील्स पर डे होती है, कभी कभी इवनिंग स्नैक्स भी रहते हैं, वो ऑप्शनल होता है लोगों के लिए, बट 3 मील्स तो हमेशा रहती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर मैं वेज और नॉन वेज की बात करूं तो दोनों तरह का फूड मिलता है, वेज तो डेली मिलता है, नॉन वेज कभी कभी मिलता है। और यार एक फैसिलिटी और होती है, जैसे आप डिनर में लेट से पनीर खाना चाहते हो और उस दिन पनीर नहीं बना है, तो आप अलग से भी वो बनवा सकते हो, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है, वो देके आप मेस में वो भी बनवा सकते हो, तो दैट इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी। अगर यार क्वालिटी की बात करें तो आई मस्ट से इट इज़ वे बेटर देन मैनी अदर कॉलेजेस। मैंने बहुत सारी कॉलेजेस की मेस में खाया है, आपको काफ़ी वेराइटी मिलती है फूड की, क्वालिटी भी डिसेंट रहती है। ऑब्वियसली अगर आप उसे घर के खाने से कंपेयर करो तो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, घर के खाने जैसा नहीं होता है। बट अगर हम बिट्स की मेस को और कॉलेजेस की मेस से कंपेयर करें तो आई मस्ट से इट इज़ really great। तो ये तो बात हुई मेस की, बट देखो मेस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मेस के अलावा जो बिट्स में फूड आउटलेट्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो यार अगर हम मेस के अलावा और लेट्स से कैंटीन्स की बात करें तो काफ़ी फूड आउटलेट्स मिल जाते हैं आपको बिट्स में। सबसे पहले मिलता है ऑल नाइट कैंटीन। तो उसमें क्या होता है, वैसे तो नाम ऑल नाइट कैंटीन है बट सारी रात नहीं वो खुला होता है, 2 बजे तक ही खुला होता है, 2 AM तक। पॉलिसीज थोड़ा बहुत चेंज होती है, कभी 1:30 बजे तक रहता है, कभी 2:30 बजे तक रहता है, वो सब थोड़ा वेरी करता है, बट नॉर्मली 2 बजे तक एंक खुला रहता है। नॉमिनल प्राइजेस पे आपको अच्छा खाना मिलता है। फिर एक कैनॉट है, कैनॉट इज़ मोर लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पर हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ पर अलग टाइप की फील है। वहाँ पर जनरली लोग पार्टीज़ वगैरह करने जाते हैं, और कई सारे जब सीनियर्स जूनियर्स से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन्स होते हैं, नए क्लब्स में जाते हैं, तो उनके भी काफ़ी इंटरेक्शन्स कैनॉट में होते हैं। फिर एक लूटर्स है, जहाँ पर मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ बिकॉज वहाँ पर मेनली फास्ट फूड मिलता है और मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, बट फॉर दोज हु इंजॉय ईटिंग फास्ट फूड लूटर्स पर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड वहाँ पर मिलता है। तो फास्ट फूड हो गया, मोइतोज़ हो गए, शेक्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। कुछ और फूड आउटलेट्स भी आपको बिट्स में मिल जाते हैं। फिर आपको रेडीज़ भी मिलती है। रेडीज़ क्या होती है, जैसे रेडी होती है वहाँ पर आपको चाय, नमकीन, बिस्किट, तो इस टाइप के चुटर पुटर आइटम्स खाने के लिए आप रेडीज पर जा सकते हैं। बढ़िया यार ये तो। बट देखो हम जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए नहीं जीते हैं, सो कंसिडरिंग दिस अब हम खाने के बारे में और बातें नहीं करेंगे। तो चलो अब लंबे बाल वाले यथार्थ से पूछते हैं कि बिट्स में हॉस्टल कैसे हैं। तो अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो क्लीनलीनेस की बात करना चाहूंगा। क्लीनलीनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बाथरूम्स रेगुलरली साफ होते हैं, आपके जो फ्लोर्स होते हैं वो रेगुलरली साफ होते हैं, तो इन जनरल हॉस्टल्स काफ़ी क्लीन रहते हैं। अगर वाइब की बात हो तो यार अभी तो हम घर पे हैं, वो एकदम फ्लैश हो गई मेमोरीज, तो बहुत सही वाइब रहती है यार। मतलब अगर कोई एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो उससे पिछले दिन सब साथ में बैठ के पढ़ते भी हैं, और जिस दिन टेस्ट नहीं होता है, जिस दिन एग्जाम नहीं होता है, तो सब काउंटर स्ट्राइक खेल रहे होंगे, ठीक है, कभी फीफा खेल रहे हैं साथ में रात रात भर। यार कॉलेज में ना कभी कभी क्या होता था, रात के 1:30 बज रहे हैं, दोस्त आता है रूम पे कि भाई टेबल टेनिस खेलने चले, एंड यू आर लाइक यार अब तो सोने का टाइम हो गया था बट चल यार चलते हैं, जाते थे टेबल टेनिस खेलते थे साथ में, और काफ़ी फन वाइब्स रहती थी, बहुत सही रहता था। सब टाइप के लोग मिलते हैं हॉस्टल में
है आपको. सो यू नो यू आर एबल टू फाइंड योर ग्रुप और आप चार पांच लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, उनके साथ बहुत आप फन भी करते हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से. सही है सही है. बट यार एक चीज़ है, बच्चे हमेशा हॉस्टल के अंदर तो रहेंगे नहीं. सो कंसिडरिंग दिस, टेल मी अबाउट places to hang out outside and inside the Pilani campus. देखो यार पिलानी एक बहुत ही छोटा शहर है, तो हैंग आउट करने के लिए प्लेसेस आउटसाइड द कैंपस आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगी. छोटी मोटी चीज़ें हैं, पिज़ेरिया है और कुछ दो तीन जगहें हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. मेनली जो बच्चे हैंग आउट करते हैं वो कैंपस के अंदर ही करते हैं. एंड द गुड थिंग इज़ कि आप कैंपस में रात के 3:30 बजे भी घूमना चाहो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बॉयज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग. आप लोग बड़े हो चुके हो तो आप लोगों को फ्रीडम दी जाती है और धीरे धीरे करके आप वो फ्रीडम को हैंडल करना सीखते हो, सही तरीके से आप उस फ्रीडम को हैंडल करना सीखते हो. तो कैंपस के अंदर हैंग आउट करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं. कैंपस में आप कहीं भी घूमो बहुत सुंदर है. तो यार क्लॉक टावर के सामने पर एक जगह है रोटुंडा, ओपन एयर थिएटर टाइप का जो है, वहाँ पर बहुत लोग हैंग आउट करते हैं. फिर बिट्स म्यूजियम के सामने पर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर भी कुछ लोग हैंग आउट करते हैं. कैनॉट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैंग आउट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे. चलो ये सब तो ठीक है, बट हैंग आउट करने से भी ज़्यादा मज़ा तो फेस्ट में आता होगा, है ना? तो यथार्थ भाई ये बताओ कि बिट्स में फेस्ट कैसे रहते हैं? तो यार बिट्स के जो तीन मेन फेस्ट होते हैं, ओएसिस, बॉसम और एपोजी, तीनों ही काफ़ी ग्रैंड स्केल पे होते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं. बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत बहुत तरह के इवेंट्स. मतलब यार कभी कभी ऐसा होता है रात के 3 बज रहे हैं और 5 इवेंट्स चल रहे हैं. मतलब आप रात के 3 बजे सो रहे हो, भाई मैं या तो सोऊँ ठीक है या इवेंट में जाऊँ. अच्छा इवेंट में जाऊँ तो ये 5 इवेंट्स चल रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स एक साथ होते हैं कि वो गेट कन्फ्यूज कि भाई मैं क्या क्या करूँ एक साथ, है ना? तो वो 3-4 दिन यू नो बहुत कुछ होता है कैंपस में, बहुत हैपनिंग हो जाता है कैंपस के अंदर. लाइफ काफ़ी फन रहता है यार, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. सही है यार, काफ़ी मज़ा आता होगा ना कॉलेज फेस्ट में. तो यथार्थ भाई एक फाइनल क्वेश्चन, थोड़ा सा बिट्स पिलानी के जो स्पेशल कॉलेज ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताओ, और थोड़ा सा स्लैंग्स के बारे में भी बता देना. यार वैसे तो ऐसे काफ़ी कॉलेज ट्रेडिशंस हैं, स्पेशल कॉलेज ट्रेडिशंस, बट शायद उन सब के बारे में मैं कैमरे के सामने ना बता पाऊँ. बट आई वुड लाइक टू मेंशन सम ऑफ दोज ट्रेडिशंस. जैसे कि एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है ग्रब का ट्रेडिशन. तो बिट्स में क्या होता है, बहुत सारे कल्चरल एसोसिएशंस हैं. जैसे दिल्ली की एक कल्चरल एसोसिएशन होगी, पंजाब की एक कल्चरल एसोसिएशन होगी, ठीक है? तो जैसे पंजाब कल्चरल एसोसिएशन एक ग्रब करवा रही है, तो उसमें क्या होगा, जो पीसीए पंजाब कल्चरल एसोसिएशन पीसीए के जो मेंबर्स हैं वो आपको खाना सर्व करेंगे उस दिन. कुछ चार्ज पड़ता है, थोड़ा सा नॉमिनल सा चार्ज होता है. अगर आप उस ग्रब के लिए साइन अप करते हो तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, आप वहां पर जाओगे एक स्पेसिफिक मेस में, और वहां पर पीसीए के जो मेंबर्स होंगे वो आप लोगों को खाना सर्व करेंगे. कैसा खाना? मोस्टली इट विल बी जो पंजाब के ट्रेडिशनल फूड है ना. कोई केरला का कल्चरल एसोसिएशन है तो आप लोगों को केरला का यू नो ट्रेडिशनल फूड खाने को मिलता है. आपको ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जगहों का ट्रेडिशनल फूड खाने को मिलता है स्टेइंग इन वन कैंपस. सो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग आई फील. बाकी यार कुछ स्लैंग्स वगैरह होते हैं जैसे कॉलेजेस में यूज होते हैं. जैसे बिट्स में एक वर्ड यूज होता है लाइट. तो लाइट लो का मतलब होता है कि चिल, मतलब ज्यादा टेंशन मतलब लाइट लो. जैसे किसी ने बोला कि भाई कल एग्जाम है पढ़ लेते हैं, दूसरा बोला लाइट ले यार लाइट ले, लाइट लो मतलब टेंशन की बात नहीं है हो जाएगा ठीक है. तो बस यही होता है यार, काफ़ी चिल सा माहौल रहता है, काफ़ी फन सा माहौल रहता है कैंपस में, और इन ट्रेडिशन से भी हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. सही कह रहे हो यार, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो गाइज अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो बड़े बाल वाले यथार्थ के नाम पे सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है ना यार. और हाँ एक लास्ट मैसेज यथार्थ भाई की ओर से. यथार्थ भाई कि 100% इन व्हाटएवर यू डू बी हैप्पी, मेक अस हैप्पी एंड स्माइल.